हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में पढ़ता हो, चाहे सोल में पढ़ता हो, चाहे रेगुलर में पढ़ता हो, चाहे एनसीओ में पढ़ता हो। क्योंकि आज नहीं तो आने वाले टाइम में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है और ये होता क्या है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ये किस किस स्टूडेंट्स को मिलता है और आगे कहाँ काम आता है, ये तीनों ही डाउट आपके 100% क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद आपको इसको लेकर 1% भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सोल के 6th सेमेस्टर की, जो सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, जब आपकी सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं तीनों ईयर के 6th सेमेस्टर के, तब आपकी इसको ज़रूरत पड़ती है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अब ये कब मिलता है? जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब बात रही कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा स्टूडेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने सीधा इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अब सेशन है, अब आपने किसी भी साल से अपनी जो फाइनल ईयर है वो कंप्लीट की हो, वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। 2014-15 लिखा है, तो अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 2022 से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना सोल रोल नंबर डालना है और एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ टाइप हो जाएगा, पर जैसे आप सोल रोल नंबर को टाइप करने लगेंगे ये टाइप नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये कैसे टाइप होगा वो समझ लीजिए, ये आपका फ़ोन से टाइप नहीं होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा लैपटॉप या पीसी। आप उसमें जाके अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करेंगे तो सीधे वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो वहाँ से टाइप हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि तो स्टूडेंट यहीं बैठ के रहते हैं, पता नहीं क्या ग्लिच है, बाकी फ़ोन से नहीं होता। अगर कोई ब्राउज़र होगा तो वो देख लेंगे, कुछ मिला तो आपको टेलीग्राम पर बता देंगे। बाकी पीसी या लैपटॉप से जाएंगे तो आपके हो जाएगा, और यहाँ पे आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में फ़ाइल मिल जाएगी। चलिए मैं सीधा आपको वो दिखाता हूँ, वो दिखने में कैसी होगी। ये देखिए, सोल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखने में ऐसा होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, बी कॉम ऑनर्स का स्टूडेंट है। अब देखिए, यहाँ पर QR कोड होता है, यहाँ पर डेट होगी जिस दिन आपने प्रिंट किया होगा, यहाँ पर दिखाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाइड डेट मिस्टर, आपका यहाँ नाम लिखा होगा, उसके बाद आपका फादर का नाम लिखा होगा, बियरिंग सोल रोल नंबर जो आपका सोल नंबर है, हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्टूडेंट फ्रॉम जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था और मई 2023 में इनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है सोल से बीकॉम ऑनर्स की। ही अपियर एट द बीकॉम ऑनर्स CBCS सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 ऑफ द यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड पास द सेम ऑफ एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है, और सिक्योरिंग CGPA 6.676 इनकी CGPA आई है विथ फर्स्ट डिवीज़न एज पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 3/8/2023। तो 3 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। ये होता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ योर गुड मॉरल कैरेक्टर। अब यहाँ पे आपके साइन होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय दिल्ली असिस्टेंट एग्जाम, चेक बाय सेक्शन ऑफिसर एग्जाम, असिस्टेंट रिजल्ट एग्जामिनेशन शोल, यही रेगुलर NCERT में भी यही सिस्टम होता है। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखने में कैसा होता है। अब आते हैं ये होता क्या है। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक कह सकते हैं आपकी डुप्लीकेट होता है आपकी डिग्री का। अब आपको डिग्री मिलने में तो टाइम लगता है, इस वजह से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है। अब ये किन स्टूडेंट्स को मिलता है? अगर आपके एक भी सेमेस्टर ER नहीं है, एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं है, तभी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं। अब क्लियर करने में 4 साल लगे, 5 साल लगे, जब तक आपका रिजल्ट पूरा क्लियर नहीं होता आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पे सीधे पास लिखा और कंप्लीट लिखा है कि CGPA इसकी है फर्स्ट डिवीजन में, तो जब तक आपके एक भी ईआर बची हुई है तब तक आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। ये मैंने मेन डाउट आपका क्लियर कर दिया है। जो भी स्टूडेंट सबके रिजल्ट में पास पास लिखा हुआ है और सारा क्लियर कर चुका है, वो अपना रिजल्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। सभी कोर्सेज का रिलीज कर दिया गया है, मैं 6th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ सोल की, तो आप इस पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या होता है मैंने बता दिया, एक टाइप का डिग्री का ऑल्टरनेट होता है, जो कि डिग्री आपको बहुत बाद में मिलती है, उससे पहले अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यह हर जगह एप्लीकेबल होता है। अगर आप कहीं आगे फॉर्म भरते हैं कोई भी डिग्री के लिए, आगे PG करने के लिए, या फिर आप फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट फॉर्म, तो वहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लग जाता है, या फिर किसी जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे आपका PC सर्टिफिकेट लग जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई कहाँ कहाँ काम आता है? हर जगह काम आता है, पर ये हमेशा काम नहीं आता,
डिग्री काम आएगी। अगर आपका डिग्री आ जाती है तो उसके बाद डिग्री इशू मानी जाएगी, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक बहुत वैल्यू करता है जब तक आपकी डिग्री नहीं आ जाती, ये मान के चलना आपको। बाकी यही बताना था आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में, कैसा दिखने में, क्या होता है, किस स्टूडेंट को मिलता है और कहाँ का काम आता है। हर जगह ही काम आ जाता है, ये चीज़ें थी। अगर आपको उसको लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।